इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस और द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक ही बेंजीन पर OH और NH2 दोनों लगाए थे ना, एक बार अपन कपलिंग करवा रहे हैं बेसिक मीडियम में और एक बार करवा रहे हैं किसमें, दैट इज इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में कपलिंग किसके लिए फेवरेबल होती है, दैट इज ओवर फिनॉल। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज़ हो जाएगी, फिनॉल में क्या होती है, कपलिंग बेंजीन पर होती है, वो कहाँ होती है, दैट इज एट पैरा पोजिशन। लेकिन यहाँ पर OH की पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो कपलिंग कहाँ पर होगी, तो बोलेंगे कि पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड होती है, तो कपलिंग फिर कहाँ हो जाती है, दैट इज एट ऑर्थो पोजिशन। ठीक है, तो कौन सी चीज़ होगी, तो बोलेंगे कपलिंग यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर हो गई, ना किसमें, दैट इज इन फर्स्ट केस जब मीडियम के साथ था, दैट वॉज बेसिक। ठीक, फिर कौन सी चीज़ है यहाँ पे, नेक्स्ट वाले में एसिडिक मीडियम दिया है, एसिडिक मीडियम में कपलिंग किसकी फेवरेबल होती है, दैट इज एनिलीन। ठीक है, क्या होता है वहाँ पर, pH यदि 6 to 7 होता है तो कपलिंग अपन क्या बोलते हैं, दैट इज एन कपलिंग होती है। लेकिन यहाँ पर सिंपली एच पॉजिटिव दे दिया है हमको, तो कौन सी चीज़ मैंने बताई थी आपको क्लास में, क्या ध्यान में रखना था कि यदि क्या दिया हो अपने को, मीडियम एसिड मतलब एच पॉजिटिव है, HCl ऐसा कुछ लेके दे दिया, वो pH 6 to 7 नहीं किया है, तो फिर हमको कपलिंग कहाँ पर करवानी, दैट इज एट कार्बन। ठीक है, तो NH2 की भी पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है, तो क्या हो गया, इनिशियली कपलिंग तो नाइट्रोजन पर हुई होगी, बट वो एसिड में क्या हो जाएगा, दैट इज आइसोमराइज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एन कपलिंग विल बी चेंज इन टू सी कपलिंग, NH2 की भी पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है, तो कपलिंग कहाँ पर हो जाएगी, दैट इज एट ऑर्थो पोजिशन। समझ आ गई बात ये। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दिया था हमको, NH2 की ऑर्थो पोजिशन पर NH2 दिया हुआ है। ठीक है, और NaNO2 एंड HCl, इससे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा है ना, तो क्या पढ़ रखा है अपन ने, NH2 का है ना क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे डाई एजोटाइजेशन हो जाता है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो NaNO2 HCl से NH2 किस में बदल गया, तो हम बोलेंगे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब कौन सी चीज़ है, तो हमने बताया कि कपलिंग जो होती है, ये डायजोटाइजेशन जो होता है, इसके साथ कपलिंग भी हो सकती है, इसमें क्या था कंपाउंड में NH2 ऑर्थो पोजिशन पर ही लगा हुआ था, तो जैसे N2 पॉजिटिव बनेगा, ये क्या हो जाएगा, अंदर के अंदर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस N पॉजिटिव नहीं यहाँ अटैक कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज इंट्रा मॉलिकुलर N कपलिंग हो जाएगी, है ना। तो ये भी अच्छा सिंपल अच्छा क्वेश्चन है ना, कि पहले डायजोटाइजेशन हुआ और उसके बाद क्या हो गया, इंट्रा मॉलिकुलर N कपलिंग हो गई। समझ आ गई बात ये, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, इसको मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, ब्रिलियंट क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा अच्छा है, कि क्या लिया हमने, पैरा टोल्यूडीन, और इसके ऊपर कौन सी वाली चीज कर रही थी, पीएच N2Cl से रिएक्शन। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला आपने को, कपलिंग भी सिर्फ कहाँ हो सकती है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन कपलिंग हो गई। ठीक है, अब एन कपलिंग हुई तो कौन सी चीज है, बोला एन कपलिंग के बाद इसका जो प्रोडक्ट बना था, इसका हमने क्या करवाया, डाइल्यूट H2SO4 से बॉइलिंग करवाया, तो इस रिएक्शन में कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको, ये पूछा था। समझ आ गई बात ये, है ना, तो अब इसको बहुत ही अच्छे से देखना है हमको, हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे कंपाउंड है, यदि ये NH2 की पैरा पोजिशन पर क्या नहीं होता, CH3 नहीं होता, तो हम बोलेंगे ये जो N कपलिंग होती है, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, बट N की पैरा पोजिशन पर CH3 होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे वाला जो H है, नहीं क्या कंडीशन, एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर क्या है, दैट इज लोन पेयर, तो ये क्या, दैट इज कंडीशन फॉर टॉटोमराइजेशन। ठीक है, तो CH3 यहाँ पर है, इस वजह से यदि ये एच इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन पर आ जाता है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यदि इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन पर आ रहा है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, ये इसका टॉटोमर मतलब दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन। समझ आ रही है बात ये। ठीक है, तो पैराडोल टोल्यूडीन का जो एन कपलिंग वाला प्रोडक्ट बना था, ये क्या शो कर सकता है, दैट इज टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, आए ना समझ में। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन काफी ब्यूटीफुल हो गया है ना, क्योंकि अब कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो ए रहेगा, दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ टू टॉटोमर्स रादर देन बीइंग अ सिंगल प्रोडक्ट। समझ आती बात ये। ठीक है, और इस वजह से इसका जो अपन क्या करवाते हैं, H2SO4 के साथ बॉइलिंग करवाते हैं ना, डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉइल किया था हमने, तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे एसिडिक मीडियम जो है,
ये क्या करेगा, NH वाले N को प्रोटोनेट करता है, तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ से, NH2 फ्री हुआ, ये क्या बन जाएगा, पैरा टोल्यूडीन फिर से बन गया। अब कौन सी चीज हो गई, तो बोलेंगे यहाँ पे अब गर्म किया तो ये N2 पॉजिटिव मतलब N2 उड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा H2SO4 डाइल्यूट, H2SO4 का जो पानी है वो यहाँ अटैक कर देगा, तो क्या बन गया, दैट इज फिनॉल बन गया। आगे बात समझ में, उससे फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज फिनॉल, है ना। तो हम बोलते हैं इस वाले टॉटोमर की डाइल्यूट H2SO4 बॉइलिंग से क्या बन जाता है, पैरा टोल्यूडीन एंड फिनॉल, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोटोनेशन किसका हुआ, इस वाले नाइट्रोजन का हुआ, इसका प्रोटोनेशन हुआ, ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा तो क्या बन गया, इस बार इधर एनिलीन बन गई, इस रिंग पर क्या आ गया, हमने बोला मिथाइल वाली रिंग पर पैरा पोजिशन पर N2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन उड़ा फ्रेगमेंटेशन से, वाटर ने अटैक किया कार्बन पर, तो क्या बन गया, दैट इज पैरा क्रेसोल, ठीक है। ये फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज पैरा क्रेसोल का, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या मिल गया हमको, तो हमने बोला दो प्रोडक्ट्स इसके करस्पॉन्डिंग मिल गए, उन दो प्रोडक्ट्स इसके करस्पॉन्डिंग मिल गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमसे पूछे थे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वो कितने हो गए, दे आर फोर इन नंबर, ठीक है। इट इज व्हाट दैट पैरा टोल्यूडीन फिनॉल, देन इट इज व्हाट पैरा क्रेसोल इन एनिलीन, ना, क्या हो जाएंगे, टोटली चार प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमको मिल जाते हैं, समझ आ गई बात, ये तो उसको मार्क करके लिखना, ये इंटीजर टाइप में डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, समझ आ गई बात, ये टॉटोमर भी हमको ध्यान नहीं आएगा, तो फिर हम यहाँ पे चार आंसर नहीं ला पाएंगे, क्लियर हो गई बात अच्छे से, है ना। तो उसको मार्क करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर कौन सी चीज है, हमको ये जो कंपाउंड दिया है, दिस इज व्हाट एन कपलिंग, है ना। जैसे ये भी सिंपल लेकिन अच्छा डायरेक्टली पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, है ना, क्योंकि कौन सी चीज है, ये देखकर हमको लगेगा कि यार ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसके ऊपर फिनॉल के रिएक्शन तो सर ने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्या है ये, फिनॉल की रिएक्शन कपलिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये एन कपलिंग प्रोडक्ट है, ये फिनॉल है, और यहाँ पर क्या डाला है, HCl, एसिडिक मीडियम एन कपलिंग वाले प्रोडक्ट में क्या करता है, इसका नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन एन पे आता है पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर से इधर टूटा, क्या फ्री हो गया, बेंजीन डायजोनियम आयन, ठीक है। इधर एनिलीन एज द प्रोडक्ट बन गया, अभी जो बेंजीन डायजोनियम आयन है कहाँ चला जाएगा, तो हम बोलेंगे इसमें फिनॉल में OH की पैरा पोजिशन पर चला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोडक्ट हालांकि अपने को कौन सा भी मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे थोड़ा सा प्रोडक्ट जो होता है वो हमको कौन सा भी मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे एनिलीन जो है उसकी सी कपलिंग वाला भी प्रोडक्ट हमको थोड़ा सा मिल सकता है, समझ आ गई बात ये, ठीक है। बट अपन ये वाला प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे, एक्चुअली आयल फिनार का क्वेश्चन है ना, उसमें आंसर इन्होंने ये दिया है ना, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्वेश्चन जैसे पूछते हैं उसके आंसर जहाँ जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन एडिशनल दिमाग मैंने आपको बता दिए हैं ना कि एनिलीन की भी कपलिंग हो सकती है, बट क्या है, हम बोलेंगे एसिडिक मीडियम है तो हो सकता है इसको उन्होंने सॉल्ट फॉर्मेशन बना लिया हो, क्योंकि HCl अच्छा एसिड है, तो फिर एनिलीन डी एक्टिवेट होकर रिएक्शन नहीं कर रही है, ऐसा मान सकते हैं हम, समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो फिनार में उन्होंने जो आंसर दिया वो ये दिया है, इट इज एनिलीन प्लस OH की पैराफोजिशन पर दैट कपलिंग, समझ आ गई बात ये, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, दैट इज रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एनिन डाइमिथाइल एनिलीन जो है इस पर कपलिंग हो जाती है, लेकिन इसके 2,6 पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप लगा दे तो कपलिंग नहीं होती है ना, एकदम बेसिक अच्छा क्वेश्चन। ये भी क्या बोला था अपने, कपलिंग रिएक्शन जो होती है ये सिर्फ किन पर होती है, हाईली एक्टिवेटेड रिंग सिस्टम्स पर ही होती है ना, मतलब ऐसे वाले ग्रुप्स जो क्या कर पाते हैं, अपना लोन पे और बेंजीन के साथ काफी इफेक्टिवली इन्वॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। अब कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे एनिन डाइमिथाइल एनिलीन में तो नाइट्रोजन का लोन पर बेंजीन पर जा रहा था, जिस वजह से कौन सी चीज हो रही थी, तो हमने बोला था वहां पर ना क्या था, अच्छे से रेजोनेंस हो पा रहा था एंड बेंजीन वाज सफिशिएंटली एक्टिवेटेड, कि क्या हो सकता था वहां, तो हमने बोला वहां पर ये कपलिंग रिएक्शन आसानी से हो सकती थी, ठीक है। लेकिन अब जब NME2 इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर मिथाइल ग्रुप आ गया है ना, तो अपने बेसिसिटी में पढ़ा हुआ है कि कौन सी चीज है, NME2 ग्रुप जो होगा ये बेंजीन के प्लेन से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यदि बेंजीन के प्लेन से बाहर निकल गया तो क्या दिक्कत आएगी बताओ, तो हम बोलेंगे उसका और बेंजीन की अब कोप्लेनैरिटी नहीं रही, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था अब वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इफेक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस कंपाउंड में
क्या बोला हमने, तो हमने बोला इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ इफेक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। और यदि वो इफेक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो हम बोलेंगे बेंजीन को क्या नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे अब वो बेंजीन को इतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा कि बेंजीन पर कपलिंग जैसे रिएक्शन हो सके। समझा गई बात, ये हम बोलते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर का है ना, ये क्या है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का अनदर एप्लीकेशन, ठीक है। कि इस कंपाउंड पर है ना स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से क्या नहीं हो पाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कपलिंग नहीं हो पाएगी। समझा गई बात, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफी ये भी। समझा गई बात, ये मतलब लगभग सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं जो सभी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना। अब इसके बाद फिर ये सिक्स वाला क्वेश्चन है, फिर से ये क्या, दिस इज एनिलीन का एन कपलिंग वाला प्रोडक्ट है, इसकी एक और एनिलीन जिसमें नाइट्रोजन पर स्टार लगा हुआ है इसके साथ रिएक्शन करवा दी एच पॉजिटिव डालकर, ठीक है। तो अब कौन सी चीज होती है, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि एन कपलिंग जब इसमें चेंज होती है दैट इज एन टू सी कपलिंग, ठीक है। तो जो बेंजीन डाइजोनियम आयन होता है, ये बेंजीन डाइजोनियम आयन क्या करता है, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट या फ्री होकर माइग्रेट करता है ना, इसका क्या नहीं होता, इंट्रा मॉलिक्यूलर ट्रांसफर नहीं होता, है ना। ध्यान होगा मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, जब इस एन कपलिंग वाले प्रोडक्ट का हमने क्या करवाया, हमने बोला इट इज ये वाली एनिलीन डालकर इसकी हमने रिएक्शन करवाई, एनिलीन कौन सी, दैट इज स्टार वाली, ठीक है। तो इसका एसिडिफिकेशन किया हमने, तो एच पॉजिटिव ने इसको प्रोटोनेट किया, क्या फ्री हो जाएगा, इससे बेंजीन डाइजोनियम आयन फ्री हो जाता है, ठीक है। यदि वो इंट्रा मॉलिक्यूलरली ट्रांसफर हो रहा होता तो हमको रिएक्शन में एक्सक्लूसिवली यही प्रोडक्ट मिल जाता और ये वाली जो एनिलीन थी स्टार वाली ये क्या हो जाती, स्पेक्टेटर ही बनी रह जाती। सारी बात ही है ना, ये वाली एनिलीन जो थी ये क्या रह जाती, हम बोलेंगे स्पेक्टेटर ही बनी रह जाती। समझ आ गई ना बात, ये है ना। अब लेकिन कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला कि जो एन कपलिंग टू सी कपलिंग चेंज होता है ना, ये एन कपलिंग टू सी कपलिंग चेंज किस टाइप का होता है, हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब बेंजीन डाइजोनियम आयन जो होता है ये इंडिपेंडेंट होकर माइग्रेट करता है, ठीक है। तो अब जब ये इंडिपेंडेंट होकर माइग्रेट करेगा तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे जब इंडिपेंडेंट होकर माइग्रेट करता है तो ये किस पर जा सकता है, तो हम बोलेंगे इसकी खुद की वाली एनिलीन पर भी जा सकता है, बट ये वाली जो एनिलीन है ये भी यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कहाँ भी जा सकता है, तो हम बोलेंगे स्टार वाली एनिलीन में पैरा पोजिशन पर भी जा सकता है। समझा गई नहीं बात, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा प्लस ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का मिलना ना, दैट इज व्हाट, तो हम बोलेंगे दिस इज अ सजेशन, ठीक है। और दिस इज एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ व्हाट, तो हम बोलेंगे इट इज एन कपलिंग टू सी कपलिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, एन कपलिंग टू सी कपलिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कैसा होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोले हम तो क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे एन कपलिंग से सी कपलिंग होते समय बेंजीन डाइजोनियम आयन जो होता है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म से ट्रांसफर न होते हुए कैसे ट्रांसफर होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज इंडिपेंडेंट होकर ट्रांसफर करता है। इसी वजह से रिएक्शन में हमको क्या मिल गए थे, सी कपलिंग वाले दो प्रोडक्ट्स मिल गए थे ना, एनिलीन की पैरापोजिशन पर भी और एनिलीन विद स्टार इसकी पैरापोजिशन पर भी। आगे बात समझ में है ना, तो सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, समझ में आए गए होंगे। इसमें फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर क्योंकि पैरा ब्लॉक्ड और इसमें एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन, फिर इसके बाद ये क्या था, दिस वाज डायज़ोटाइजेशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एन कपलिंग, है ना। इसके बाद फिर क्या था, यहाँ पे ये टॉटोमेरिज्म वाला फंडा इन्वॉल्व था विच वाज ब्यूटिफुल, ठीक है। ये यदि सी एच थ्री नहीं होता तो फिर रिएक्शन में क्या होता, तो हम बोलते हैं हमको दो ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, है ना। इसके बाद फिर कॉन्स्टेंट बोली हमने, तो हमने बोला इट इज एन कपलिंग वाले प्रोडक्ट का फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा दिया तो एनिलीन बन गई, साथ में इट इज व्हाट दैट फिनॉल की पैरापोजिशन पर कपलिंग होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा फंडा लग गया अपना, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इसमें था, इस वजह से बेंजीन ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं थी, तो क्या नहीं हुआ, हमने बोला इस पर कपलिंग हुई ही नहीं, जबकि जो नॉर्मल एनिन डाइमिथाइल एनिलीन होती है इस पर आराम से कपलिंग हो जाती है, ठीक है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, दिस वॉज रिलेटेड टू व्हाट, हमने बोला एन कपलिंग से सी कपलिंग होते समय, है ना, एन कपलिंग से सी कपलिंग होते समय कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे जो बेंजीन डाइजोनियम आयन
होता है वो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे वो कंसर्टेड मैकेनिज्म से ट्रांसफर न होकर, जैसे ट्रांसफर हो जाता है तो हम बोलेंगे वो इंडिपेंडेंट होकर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से करना है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थैंक यू।